हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और क्रीमी ओरियो मिल्क शेक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड, ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ओरियो मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक ओरियो बिस्किट लिया है और कुछ बिस्किट को तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे पीसेस में। और एक डेरी मिल्क चॉकलेट लिया है और एक आइसक्रीम लिया है। आप कोई भी अपने फ्लेवर का ले सकते हैं। और एक ग्लास दूध लिया है। सबसे पहले हम एक जार लेंगे, इसमें ओरियो बिस्किट निकाल लेंगे। और डेरी मिल्क चॉकलेट ले लेंगे। हमने यहाँ पर आधा चॉकलेट लिया है। और एक ग्लास दूध ले लेंगे। अब इन सभी को डालने के बाद हम फ्रेंड, हमने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और ना चाहे तो ना डालें, क्योंकि हमने पहले ही इसमें चॉकलेट और बिस्किट डाल दिया है जिससे ये काफ़ी मीठा हो जाएगा। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये क्रीमी स्मूथ हमें शेक मिले। फ्रेंड, हमने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गई हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर आइसक्रीम लिया है जिसे हम डालेंगे इन ग्लासेस में। हमने जो ओरियो बिस्किट तोड़ के रखा था अब हम उसे डालेंगे। हमारा ये ओरियो मिल्क शेक देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जो डेरी मिल्क चॉकलेट आधा हाल किया था और आधा रख दिया था, उसे हम उस आधे को हमने मेल्ट करके रख लिया। अब हम इस पर डाल देंगे। तो फ्रेंड, हमारा ओरियो मिल्क शेक बन चुका है। यो फ्रेंड, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं फिर से अपने एक नई रेसिपी के साथ आपको दोबारा मिलूँगी।